31 जनवरी का इतिहास भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। यह ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के रूप में, एक व्यापारी के रूप में प्रवेश करती है और व्यापार करते करते वह भारत को एक औपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में स्थापित करती है, जो है एक लंबे समय तक भारत उस औपनिवेशिकता की चपेट में रहता है और बाद में जाके हम देखते हैं कि 1947 में हम उस चपेट से मुक्ति पाते हैं। तो आज हम 31 जनवरी का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 31 जनवरी के दिन ही 1599 में ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर ही भारत में ब्रिटिश की पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसलिए 31 जनवरी ईस्ट इंडिया कंपनी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है 31 जनवरी 1599। दूसरी महत्वपूर्ण घटना की हम अगर बात करें तो 31 जनवरी 1963 को, यानी जो है 31 जनवरी 1963 के दिन मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये बहुत ही दिलचस्प घटना है। उसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण घटना जो हमारे संज्ञान में आती है कि 31 जनवरी 1893 में अमेरिका में पहली बार कोको कोला, चूँकि सब लोग पीते हैं जानते हैं, तो कोको कोला ट्रेडमार्क का पेटेंट अमेरिका में मिला था आज ही के दिन, यानी 31 जनवरी के दिन। और एक अन्य महत्वपूर्ण घटना जो है वो 31 जनवरी की, वो है कि 31 जनवरी 1923 को परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ था। तो 31 जनवरी से जुड़ी हुई ये कुछ तिथियाँ थीं और जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आप लोग अगर कुछ दिलचस्प चीज़ें लग रही हों तो इसको लाइक्स, कमेंट और शेयर करिए, जिससे कि मोटिवेट होकर हम लोग और अधिक से अधिक वीडियो बना सकें और अपने ट्रैक पे, यानी UGC नेट TGT PGT का जो टारगेट है उसका सिलेबस वाइज हम लोग जो है उसको जो है करने का प्रयास करें, जिसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं कि जल्द ही आपको सेगमेंट वाइज या टॉपिक वाइज वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएँ। धन्यवाद।